बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एनालिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे पास मेन सबसे पहले क्वेश्चन की सिचुएशन अवेलेबल है फर्स्ट 2 लाइंस में, उसके बाद हमारे पास कंडीशंस अवेलेबल है, ये 3। हमने क्या करना है, इन सिचुएशन और कंडीशंस को फॉलो करते हुए इन 7 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इन 7 क्वेश्चन को हम फिलहाल रीड आउट नहीं करेंगे, इनको हम सिर्फ उस वक्त रीड करेंगे जब हमने इनके आंसर करने हैं। उससे पहले हम सिर्फ क्वेश्चन की जो मेन सिचुएशन है और जो इसके बारे में हमारे पास कंडीशंस अवेलेबल हैं, इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, 7 गर्ल्स आर टू बी डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स ऑन अ स्टडी टूर। एक स्टडी टूर पे हमने 7 गर्ल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। द गर्ल्स आर लेबल्ड एज ए बी सी डी ई एफ एंड जी। गर्ल्स के लेबल भी हैं ए बी सी डी ई एफ और जी। ग्रुप 1 कंसिस्ट ऑफ 3 गर्ल्स, ग्रुप 1 में 3 गर्ल्स हैं, और ग्रुप 2 कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स, ग्रुप 2 में 4 गर्ल्स हैं। हमारे पास अब तक क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी कि हमारे पास 7 गर्ल्स हैं ए बी सी डी ई एफ और जी। हमारे पास क्या है, 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में हमारे पास 3 गर्ल्स आ सकती हैं और ग्रुप 2 में हमारे पास 4 गर्ल्स आ सकती हैं। अब तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, सिचुएशन थी, उसके मुताबिक हमने ये इन्फॉर्मेशन ड्रा कर ली। जब हमने ये इन्फॉर्मेशन ड्रा कर ली है, अब हमें दोबारा सिचुएशन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ग्रुप्स आर फॉर्म्ड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। इन कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने ग्रुप बनाने हैं। नंबर 1 कंडीशन क्या है, ए एंड सी कैन नॉट बी इन सेम ग्रुप। ए और सी सेम ग्रुप में नहीं आ सकते। हम यहाँ पे क्या ड्रा करेंगे, ए एंड सी बॉक्स बना के आगे हमने क्रॉस लगा दिया। अपने हिंट के लिए कि ए और सी का जब बॉक्स बना के आगे क्रॉस लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ए और सी सेम ग्रुप में नहीं आ सकते। नंबर 2 कंडीशन हमारे पास क्या अवेलेबल है, बी एंड डी मस्ट बी इन सेम ग्रुप। बी और डी ने सेम ग्रुप में लाजमी आना है। हम क्या करेंगे, बी डी बॉक्स बना के आगे टिक लगा दिया। इसका हमारे पास क्या हिंट है कि बी और डी ने सेम ग्रुप में आना है। नंबर 3 कंडीशन हमारे पास क्या है, ई मस्ट बी इन टीम 2। ई ने सेकंड ग्रुप में आना है, तो हम ग्रुप 2 में ऑलरेडी ई को असाइन कर देंगे कि जो मर्जी हो जाए ई ने ग्रुप 2 में आना ही आना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चन को उसकी सिचुएशन या कंडीशंस को रीड करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अपनी जो हमने ये फिगर ड्रॉ की है, इस पे बेसिस पे देखेंगे कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या थी जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, कि ग्रुप 1 में 3 गर्ल्स हैं, ग्रुप 2 में 4 गर्ल्स हैं। गर्ल्स के लेबल क्या है, ए बी सी डी ई एफ और जी। इस सिचुएशन का क्या मतलब है, ए और सी के आगे क्रॉस लगा हुआ है, ए और सी सेम ग्रुप में नहीं आ सकते। बी और डी के आगे टिक लगा हुआ है, क्या मतलब, बी और डी ने सेम ग्रुप में आना है। ई हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी असाइंड है, ऐसा क्या मतलब है कि ई ने ग्रुप 2 में आना ही आना है। अब हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज राइटली फॉर्म ग्रुप्स। जो हमारे पास ऑप्शन ए बी सी और डी अवेलेबल हैं, इनमें से कौन सी ऑप्शन राइटली फॉर्म ग्रुप्स को शो कर रही है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ग्रुप 1 में 3 मेंबर होने चाहिए और ग्रुप 2 में 4 मेंबर होने चाहिए। ऑप्शन ए में देखें, ग्रुप 1 में 3 है, ग्रुप 2 में 4 है। ऑप्शन बी में भी ग्रुप 1 में 3 है, ग्रुप 2 में 4 है। ऑप्शन सी में देखें, ग्रुप 1 में 3 है, ग्रुप 2 में 4 है। ऑप्शन डी में ग्रुप 1 में 4 मेंबर्स हैं और ग्रुप 2 में 3 है। ये हमारी सिचुएशन वायलेट हो रही है, तो इसको ऑप्शन को हम कैंसिल कर देंगे, यानी कि अब हमारा आंसर ए बी या सी में से होगा। अब हम नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ए और सी ने सेम ग्रुप में नहीं आना। हम देखेंगे ए सी कहीं पे सेम ग्रुप में तो नहीं आ रहे। ऑप्शन ए में देखें, ए और सी सेम ग्रुप में आ रहे हैं, इस ऑप्शन को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ऑप्शन बी में ए और सी डिफरेंट ग्रुप्स में है, सिमिलरली ऑप्शन सी में ए और सी डिफरेंट ग्रुप्स में है, तो ये हमारा ऑप्शन फिलहाल जो हमारा आंसर है बी या सी में से होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, बी और डी सेम ग्रुप में आएंगे। अब आप ऑप्शन बी में देखें, ग्रुप 2 के अंदर बी है और ग्रुप ए के अंदर डी है, डिफरेंट ग्रुप्स में है, ये हमारी कंडीशन वायलेट हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन सी जो है वो हमारा जो ऑप्शन बच गई है
वो हमारी राइट ऑप्शन है। इसमें आप देखें ग्रुप टू में बी और डी सेम ग्रुप में आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने बारी बारी तमाम कंडीशंस को देखा, उसके हिसाब से हम एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते गए और ऑप्शन आखिर में हमारे पास एक ऑप्शन रह गई, उसको हमने राइट आंसर डिक्लेयर कर दिया। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आ जाते हैं। इफ बी इज असाइन टू ग्रुप टू देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इन ग्रुप वन, तो ग्रुप वन में कौन सा लाजमी होगा। अब क्या कह रहे हैं, बी ने ग्रुप टू को साइन हमने कर दिया, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ग्रुप टू के अंदर बी को असाइन कर देते हैं। अब बी से रिलेटेड हमारे पास कंडीशन क्या है कि बी और डी ने सेम ग्रुप में आना है, तो हम डी को भी ग्रुप टू में असाइन कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन पीछे रह गई है, वो क्या है, ए और सी सेम ग्रुप में नहीं आ सकते। इस कंडीशन को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब हमें पता है ग्रुप टू के अंदर एक स्लॉट अवेलेबल है और ग्रुप वन के अंदर 3 स्लॉट्स अवेलेबल है। आपको पता है ए सी सेम ग्रुप में नहीं आ सकते, इसका क्या मतलब है, ग्रुप टू की फोर्थ स्लॉट या तो ए लेगा या तो सी लेगा, इन दोनों के अलावा कोई और नहीं ले सकता। यानी कि ग्रुप वन में फर्स्ट पोजीशन पे ए या सी आएंगे। हम अब देखते हैं कौन कौन से मेंबर रह गए हैं जो ग्रुप वन में आएंगे। बी ऑलरेडी ग्रुप टू को साइन हो चुका है, इसको हम यहाँ से काट देंगे। डी ऑलरेडी ग्रुप टू को साइन हो चुका है, इसको भी काट देंगे। ई भी साइन हो चुका है, इसको भी काट देंगे। पीछे क्या बच गए, एफ और जी, यानी कि एफ और जी ग्रुप वन में आएंगे। क्यों, क्योंकि एफ और जी में से कोई भी मेंबर ग्रुप टू में इस पोजिशन पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो इस पोजिशन पे आया चौथी पोजिशन पे तो ए और सी ग्रुप वन में इकट्ठे हो जाएंगे और कंडीशन हमारी वायलेट हो जाएगी। यानी कि एफ और जी वो मेंबर हैं जो मस्ट बी ग्रुप वन में होंगे। तो हमारे पास आंसर में देखते हैं एफ और जी में से जी ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर कि जी मस्ट बी इन ग्रुप वन। हमें पता है कि एफ और जी दोनों राइट आंसर्स हैं, लेकिन उसने दोनों में से एक राइट आंसर दिया होगा ऑप्शन के अंदर, क्योंकि दोनों नहीं दे सकता। तो इस तरह हमने इनको यूज करते हुए इंफॉर्मेशन को अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर थ्री को देखते हैं। इफ जी इज असाइन टू ग्रुप वन, ग्रुप वन को हम जी असाइन कर देते हैं, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इन ग्रुप वन, कौन सा ग्रुप वन में लाजमी होना है। अब हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ दो कंडीशंस हैं, हमने इन दो कंडीशन से खेलते हुए आंसर निकालना है। कैसे खेलेंगे, आपको पता है जी वन में ग्रुप वन में दो ऑप्शंस रह गई हैं, दो पोजीशंस रह गई हैं, और वो आपको पता है बी और डी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम बी और डी को ग्रुप वन में डाल देंगे जी के साथ, तो ग्रुप टू में ई के साथ ए और सी इकट्ठे हो जाएंगे, जो कि कंडीशन को वायलेट कर रहा है। यानी कि बी डी ग्रुप वन में नहीं आ सकते, इसका क्या मतलब है, ग्रुप टू में बी और डी आएंगे, सिंपल। अब हमारे पास पीछे क्या कंडीशन रह गई है, ए और सी डिफरेंट ग्रुप में होंगे। सिमिलरली हम देखते हैं यहाँ पे चौथी पोजीशन पे ग्रुप टू के अंदर ए या सी आएंगे। अगर ए आ जाएगा तो सी ग्रुप वन में आ जाएगा, तो हमारे पास कौन सा मेंबर है, एफ मेंबर वो बच गया है जिसने ग्रुप वन में आना ही आना है, क्योंकि एफ ग्रुप टू में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, अगर हम यहाँ पे एफ लिख देंगे तो ए और सी ग्रुप वन में चले जाएंगे, जो कि कंडीशन वायलेट कर देगा। तो ये वाली एफ जो है वो ग्रुप वन में आएगा ही आएगा, तो हम क्या कहेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इन ग्रुप वन, एफ मस्ट बी इन ग्रुप वन, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर, ये क्वेश्चन सिंपल इसलिए है क्योंकि हमारे पास इसमें सिर्फ दो कंडीशंस अवेलेबल हैं, उनसे खेलते हुए हमने आंसर निकालना है। इफ एफ इज असाइन टू ग्रुप टू, अगर एफ को हमने ग्रुप टू को असाइन कर दिया है, यहाँ पे हम एफ को ग्रुप टू को असाइन कर देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इन ग्रुप वन, इनमें से कौन सा ग्रुप वन में लाजमी होना है। सिंपल क्वेश्चन है, अब आपको पता है यहाँ पे दो स्लॉट्स अवेलेबल है जिनमें से एक स्लॉट ए या सी को जानी है। क्या मतलब, अगर एक स्लॉट ग्रुप टू में ए या सी को जानी है तो क्या शो करता है, दूसरी कंडीशन हमारी बी डी ने सेम ग्रुप में आना है, इसका क्या मतलब है बी और डी ग्रुप वन में आएंगे, और जो यहाँ पे तीसरी पोजीशन है वो ए या सी लेगा। सिंपल हो गया, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इन ग्रुप वन, बी और डी मस्ट बी इन ग्रुप वन, तीसरी पोजीशन हमारे पास ऑप्शनल है, हम ए या सी को दे सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए में बी अवेलेबल है, तो हम इसको टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ ए एंड बी आर असाइन टू ग्रुप वन, अगर ग्रुप वन में हमने ए और बी असाइन कर दिए हैं, हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं ए और बी, इसका क्या मतलब है,
डी भी ग्रुप वन में आएगा और ग्रुप वन हमारा कंप्लीट हो गया। देन कंप्लीट लिस्ट ऑफ ग्रुप टू, ग्रुप टू की कंप्लीट लिस्ट क्या होगी। अब जब हमारा ग्रुप वन कंप्लीट हो गया तो बाकी जो मेंबर बच गए हैं वो सारे हम ग्रुप टू में डाल देंगे। ए बी डी ये तो पहले हम काट देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएंगे ग्रुप टू के अंदर, ई सी एफ और जी, ये चार मेंबर ग्रुप टू में आएंगे जो कंप्लीट लिस्ट है। अगर आप देखें तो ऑप्शन बी हमारे पास वो ऑप्शन है जो ग्रुप टू के तमाम मेंबर से मैच कर रही है, सी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है, तो हम क्या कहेंगे ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन विच इज कंप्लीट लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्रुप टू। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाते हैं, इफ ए एंड बी आर असाइन टू ग्रुप टू, अगर ए और बी हमने ग्रुप टू में अब असाइन कर दिए हैं तो तीसरा मेंबर ग्रुप टू का क्या होगा, अंडरस्टूड है, डी, क्योंकि बी और डी ने सेम ग्रुप में आना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इन ग्रुप वन, कौन सा ग्रुप वन में होना चाहिए। जब हमारे पास ग्रुप टू कंप्लीट हो गया, इसका क्या मतलब है, हमें ग्रुप वन के मेंबर्स का भी सारा पता है, वो कौन कौन से होंगे, ई ए बी और डी काट दें, बाकी क्या बच गए, सी एफ जी। अब उसने हमें आंसर्स के अंदर सी एफ और जी में से एक ऑप्शन दी होगी, क्योंकि ये तीनों यहाँ पे मस्ट आने हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं सी एफ जी में से ऑप्शन डी के अंदर उसने हमें जी मेंशन किया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, इफ एफ इज असाइन टू ग्रुप वन, अगर ग्रुप वन में हमने एफ को असाइन कर दिया, यहाँ पे हम ग्रुप वन में एफ को असाइन कर देते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इन ग्रुप वन, कौन सा ग्रुप वन में लाजमी होना है। सिंपल है, उन्हीं दो कंडीशन के साथ हम खेलेंगे कि बी और डी सेम ग्रुप में आने हैं और ए और सी सेम ग्रुप में नहीं आने। अब आप ये देखें, यहाँ पे हमारे पास दो स्लॉट्स हैं और यहाँ पे हमारे पास तीन स्लॉट्स हैं ग्रुप टू में, अगर हम एफ के साथ बी और डी रख दें तो क्या होगा, ग्रुप टू के अंदर ए और सी आएंगे जो कि नहीं हो सकता, यानी कि बी और डी ग्रुप वन में नहीं आएंगे तो वो कहाँ पे आएंगे, ग्रुप टू में, ये हमने उनको यहाँ पे असाइन कर दिया। अब चौथी पोजीशन यहाँ पे ए या सी लेगा, यहाँ पे एक पोजीशन ए या सी लेगा, कौन सा मेंबर है जो बच गया और जिसने ग्रुप वन के अंदर लाजमी आना है, वो क्या, जी, क्यों, क्योंकि जी को हम ग्रुप टू में असाइन नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो क्या मतलब है उसने ग्रुप वन में आना है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी विच इज जी। तो यहाँ ये हमारा सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। हमने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ हमने ड्रॉ किया था ग्रुप वन में थ्री मेंबर्स, ग्रुप टू में फोर मेंबर्स, ए और सी सेम ग्रुप में नहीं आ सकते, बी और डी ने सेम ग्रुप में आना है, हमने सिर्फ ये ड्रॉ किया और इसके बेस पे हमने सेवन के सेवन क्वेश्चन सोल्व आउट कर लिए हैं। हमने अगर आपने देखा अच्छे तरीके से ड्रॉ किया है तो हमें दोबारा क्वेश्चन की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आपको दोबारा क्वेश्चन की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसका क्या मतलब है, आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो अगर आप फिगर अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं तो आप इन क्वेश्चन को टाइमली सॉल्व कर सकते हैं, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही आप बेटर तरीके से इन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको एज सून एज पॉसिबल रिस्पॉन्स कर सकें। तब तक के लिए असलम।